अपने गुरु की, अपने माँ बाप की, अपने भगवान की कभी परीक्षा मत लेना, अपने धर्म की कभी परीक्षा मत लेना। इन पांच की परीक्षा लेने का मतलब जानते हो? माँ बाप की क्या परीक्षा लोगे, उस माँ की क्या परीक्षा लोगे जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है? उस बाप की परीक्षा लोगे जिस बाप ने अपने जीवन का पूरा स्वर्णिम टाइम तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए रात दिन मेहनत करके ढंग से खाया नहीं, ढंग से कपड़े पहने नहीं, उस बाप की परीक्षा लोगे? उस गुरु की परीक्षा लोगे जिस गुरुदेव ने अपना पूरे जीवन भर का ज्ञान तुम्हें दिया और सिर्फ इसलिए दिया कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारा भगवान से संबंध जुड़ जाए? उस गुरु की परीक्षा लोगे तुम? उस धर्म की परीक्षा लोगे जिस धर्म ने तुम्हारा परिचय कराया, तुम्हें अच्छा मानव बनाया? उस धर्म की परीक्षा लोगे? अरे वो निंदनीय लोग हैं जिन्हें अपने मां बाप पे भरोसा नहीं, जिन्हें अपने गुरु पे भरोसा नहीं, जिन्हें अपने धर्म पे भरोसा नहीं, जिन्हें अपने भगवान पे भरोसा नहीं, वो वंदनीय नहीं हो सकते, वो निंदनीय हैं। और ऐसे निंदनीय लोगों से दूर रहना चाहिए। उस भगवान की परीक्षा लोगे जैसे भगवान ने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला, दांत नहीं थे तो मां के आंचल में दूध दे दिया, बड़े हुए तो तुम्हारे मुंह में दांत दे दिए, उस भगवान की परीक्षा लोगे? अरे वो कलेजा लाते कहां से हो जिस पे तुम ये कहते हो कि भगवान नहीं है? आंखों से देखने की सामर्थ्य ईश्वर देता है, कानों से सुनने की सामर्थ्य ईश्वर देता है। ये जो अंदर धड़क रहा है ना, रात दिन जो मैं करता है ना, ये धड़कने का दम मेरा परमात्मा देता है, उसकी परीक्षा लोगे तुम? रामायण जलाने वालों की बुद्धि जल चुकी है, विचार जल चुका है, जीवन जल चुका है। भगवान श्री राम की रामायण होते जलाओगे, उसे अपमान करोगे और समाज में फिर तुम समाज सेवी कहलाओगे। चल है फालतू की बात करता है। अगर मां बाप का दिया हुआ ज्ञान है, नॉलेज है ना, तो एक काम कर, समाज को जोड़ने का काम कर, तोड़ने का नहीं, जोड़ के दिखा। सनातनियों को जोड़ो ना, तोड़ तो क्यों? तोड़ने के लिए तो और ही लोग बैठे हैं, तुम ये काम क्यों करते हो? राधे राधे बोलना पड़ेगा, आहा जोड़ से बोलना पड़ेगा। भगवान पे डाउट मत करो, धर्म पे डाउट मत करो, गुरु पे डाउट मत करो, माँ पे डाउट मत करो, पिता पे डाउट मत करो, बाकी सब पे जो देखना हो देख लो।